की नीड्स बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो USB लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नाइफ़, सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग पेस्ट एंड सोल्डिंग वायर। ओके, बाकी जो धीमे धीमे पढ़ते रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, हाँ, तो गैस जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका सर्किट डायग्राम है और अभी ये ओपन सर्किट है। जब ये टिपिकल शेप एल शेप से ज्वाइंट हो जाएगा तब ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। सो लेट्स वी स्टार्ट विद दिस। हाँ, तो गैस ये आपके सामने LED लाइट है जो कि आपने मोबाइल से यूज़ की होगी या कीपैड के तौर पे यूज़ की होगी। जब आप कीपैड चलाते हैं कंप्यूटर का, तो ये वही ड्राइव है। ये आपकी USB ड्राइव है जिससे कि हम लोग अपने वायर्स निकालेंगे जो कि थिन वायर्स होते हैं, इसलिए हम उसको उसमें थिन वायर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनको ना शार्प करने के लिए, निकालने के लिए हमें नाइफ़ की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपकी नाइफ़ है जिससे हम वायर्स को और LED लाइट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो मेनली LED लाइट का बैक निकालना है वो इसी तरीके से निकालना है। इसके हमें पहले कवरिंग को काटना पड़ेगा। तो हम लोग कवरिंग को काटना स्टार्ट करते हैं, तो उसको बैक से घुमा लेते हैं, बैक से काटेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कवरिंग को काट रहे हैं। तो जो भी हम लोग डीप कट लगाएंगे जिससे कि एक बार में ही वो कवरिंग हटने की कोशिश हो, ऐसा नहीं कि बार बार हम लोग काटेंगे। और ये आपको एक बड़े की हेल्प ले के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की काम होता है, आप ब्लेड आपको भी लग सकती है, इसलिए आपको हो सकता है तो बड़ों की हेल्प ले लीजिए, तो वो आपको अच्छे से काटने में हेल्प कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका USB का हिस्सा थोड़ा सा अलग हो गया है और हम लोग उसमें और डीप कट मारते हैं जिससे कि वो इजली निकल जाए। अब ये इतना अलग हो चुका है कि हम लोग इसी कवरिंग को काट सकें। अब हम लोगों का जो LED का हिस्सा बचा है उसी को निकालना है। ठीक है, उससे एक LED की स्ट्रिप निकलेगी और उसको वही हमारे मेन जो वर्क है उसमें काम आएगी। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका बैक कवर हटने वाला है, तो थोड़ी देर बाद आप इसकी कवरिंग हटा के देखेंगे तो आपको शील्ड दिख जाएगी। तो ये रही आपकी LED। ठीक है, तो इस तरीके की LED होगी जो आपको इसके अंदर से मिलेगी। ये LED आप बहुत यूज़फुल है और ये बहुत ही हाई पावर लाइट को जनरेट करती है। ठीक है गैस, तो अब इस तरीके की हमें 3 LEDs की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग ऐसे 3 LEDs को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 3 LEDs आपकी हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि हम लोग USB को लेंगे। तो मेनली हम जो लॉन्ग वायर्स होंगे उससे लॉन्ग वायर से हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है गैस, तो लॉन्ग वायर्स को निकालने के लिए मैं ये USB लेके आया हूँ। तो इस USB को हम लोग डिसमेंटल करेंगे और इसकी वायर को निकालेंगे जिससे कि हम लोग वायर को इजीली कनेक्ट कर सकें और हमारी कनेक्टिविटी पतली हो। तो गैस जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने 3 LED स्ट्रिप निकाल ली हैं और ये हमारे वायर हैं। तो इन वायर से हम LED स्ट्रिप को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कितने थिन वायर्स हैं। ये थिन वायर्स का मेन यूज़ ये होता है कि हम लोग की जो कनेक्टिविटी होगी वो ज़्यादा बल्गी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इजी वे में हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है गैस, तो हम लोग फर्स्ट LED को सोल्ड करते हैं। ये आपका सोल्डिंग आयरन है। अब हम लोग फर्स्ट LED को कनेक्ट करने करते हैं। तो ये सोल्डिंग हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट LED के लिए। तो जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको ग्रीन वायर जो है उसको हमारा निगेटिव टर्मिनल है और वाइट वायर को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है गैस, तो अब हम लोग जो एक्सटेंशन लेंगे यानी कि जो दूसरी LED को कनेक्ट करने वाले हैं उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं पहले से ही। तो हम लोगों ने अब ये वायर कनेक्ट कर लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम लोग काट के अलग कर देंगे जिससे कि उसमें दिक्कत ना हो सोल्डिंग करते समय। अब हमारी सेकेंड LED की बारी आती है, तो हम लोग सेकेंड LED लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट LED जो हमारी, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इनका पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेकेंड वाली LED के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और जो इसका नेगेटिव है वो उसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी भी हमें आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी LED हमारी, हम उसको यूज़ करेंगे लगाने के लिए। तो सोल्डिंग आयरन मैं लेता हूँ और वायर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ दूसरी वाली में। ठीक है, अच्छा गैस, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम लोगों की LED स्ट्रिप्स हैं उसमें अगर पहले से कोई भी सोल्डिंग लगी है या कोई भी वायर्स लगे हुए हैं तो उसको हमें हटा देना है, जिससे कि हमारी जो सोल्डिंग होगी वो एक तरीके से कंप्लीट सोल्डिंग हो पाए, जिससे कि बाद में कोई भी प्रॉब्लम का डेवलप ना हो। ओके,
तो हम लोग थर्ड वाले स्ट्रिप को भी कनेक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसका जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारी तीनों LEDs लग चुकी हैं। अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये मैंने पावर बैंक लिया हुआ है अपना, ठीक है। तो इसका जो रेड टर्मिनल है उसको मैं पॉजिटिव से और ब्लैक वाले को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करके देखूंगा। अगर लाइट ग्लो करती है तो इट मीन्स सर्किट है। ये देखिए आपने ग्लो हुआ हल्का सा, अभी देखिए यहाँ पर लाइट्स जलने लगी हैं, तो इट मीन्स सर्किट काम कर रहा है। तो अभी आपकी तीनों LEDs स्ट्रिप कनेक्ट हो चुकी हैं और इसका सर्किट भी सही है जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। तब हमें यहाँ पर एक कॉपर वायर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप ये देखेंगे तो ये रहा हमारा कॉपर वायर, ठीक है। तो ये एक एल शेप में है और ये दूसरा टिपिकल शेप में है, ठीक है। तो जो टिपिकल शेप है आपका, वो इसको मैंने अपने अलमारी के अकॉर्डिंग शेप में दे रखा है, तो आप अपने यहाँ के अकॉर्डिंग शेप में दे सकते हैं या मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये अलमीरा में अंदर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर गैस जो लास्ट स्ट्रिप हमारे बची हुई LED में, उनसे दो वायर्स जो निकले हुए हैं, फर्स्ट वन इज़ ग्रीन एंड सेकंड वन इज़ वाइट। तो जो हमारा ग्रीन टर्मिनल है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और वाइट वाला पॉजिटिव है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ से आपको ये देख लेना है कि सबकी कवरिंग एक जैसी होनी चाहिए और सबके टर्मिनल एक जैसे होने चाहिए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है गैस। तो हम लोग इसको टाइटली हेल्ड कर देते हैं जिससे कि कनेक्शन कोई लूज़ ना हो आखिर में, ऐसा ना हो कि सब कुछ हो गया, कनेक्शन लूज़ हो गया लास्ट में तो प्रॉब्लम हो जाए। ओके गैस, तो ये जो मैंने यहाँ पे देख रहे होंगे आपने कॉपर का पीस बना रखा है, तो उसको हम लोग यूज़ करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वायर कनेक्ट करेंगे कॉपर वाले पीस से, वायर कनेक्ट करेंगे जिसका टर्मिनल हमारा ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये जो मेनली वायर होगा ये हमारा लगेगा अलमारी में, ठीक है। हाँ तो गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पास जो वार्डरोब है, अलमारी है, वो लोहे की है, तो उसमें थोड़ा कनेक्शन का भी खतरा रहता है, इससे करंट वरंट लग जाए, इसलिए मुझे इसको पहले आइसोलेट करना पड़ेगा। ये मेरी यूट्यूब की खासियत है। ओके गाइस, अब आप ये देखिए जो डोर आपको सामने से दिख रहा है इसी पे मुझे एल शेप को कनेक्ट करना है, ठीक है। इस जगह पर एल शेप कनेक्ट होगा, इससे पहले मुझे ये जगह आइसोलेट करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर आपका ट्रिपल शेप कनेक्ट होगा, इस वजह से इसको मुझे आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे जो कनेक्शन मैं देने वाला हूँ उसके पहले मैं आपको आइसोलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइसोलेट करता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सामने, ये आइसोलेट हो चुकी हैं दोनों जगह, ये एल शेप वाली है और ये टिपिकल शेप वाली है, दोनों आइसोलेट हो चुकी हैं। यहाँ पे तीन टेप्स लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डबल साइडेड टेप है सारे, इसमें हमारे LEDs फिट होंगी, ठीक है, जिससे हमें प्रॉपर रोशनी मिलेगी कैबिनेट के लिए, ठीक है। इसको आप दूर से देखिए तो आपको प्रॉपर कैबिनेट के लिए लाइट्स दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइट्स को कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोगों को मैं क्या करना है, जो इससे लास्ट वाले से दो वायर निकल रहे हैं उसको हमें ग्रीन वाले को नेगेटिव टर्मिनल को USB के कनेक्ट कर देना है, ठीक है। USB के ब्लैक पार्ट से, ब्लैक वायर से, जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा कनेक्ट होगा जाके जो टिप शेप है, ठीक है। तो टिपल शेप से कनेक्ट हो गया, हमें टिपकल को उसके अंदर फिट करना है और जो ये यहाँ से शेप मिलेगा उसको हमें निकाल लेना है, ठीक है गैस। ये देखिए मैं यहाँ पर टिपकल शेप को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर ये टिपकल इस तरीके से फिट हो जाएगा, ओके। तो इससे क्या होगा, ये अंदर की ओर मैं इसको कर दे रहा हूँ जिससे कि ये फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से इसको टाइट करना है। अब जो हमारा दूसरा कॉपर का पीस है उसको हम लोग इसमें जो परपेंडिकुलर वाली रो है यानी कि डोर वाला, उसमें हम लोग उसको लगा देंगे, ठीक है। उससे कनेक्ट करना होगा उसको हमें, तो उसमें जो हम कनेक्ट करेंगे तो वो आराम से अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे सामने से कि मैंने इसको डबल साइडेड टेप से जोड़ दिया है जिससे कि ये एक अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम सामने फेस ना करनी पड़े बाद में। तो यहाँ से जो वायर निकला हुआ है गेट से उसको मैं USB के सेकंड पार्ट यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करूँगा रेड वाले से। तो इससे होगा क्या, इससे पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं इसको पावर सप्लाई दूंगा वैसे लाइट को जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने गेट को क्लोज़ किया है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कनेक्शन हुआ किस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए।
सो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जैसे मेरी फिंगर है वो आपका एल शेप है। जैसे ये आपका टिपिकल शेप से कनेक्ट होगा, जब हम लोग गेट खोलेंगे, या हमने गेट खोला तो टिपिकल शेप से कनेक्ट होगा जाकर, और यहाँ पे लाइट्स ग्लो होने लगेंगी, ठीक है गैस। और जब हम लोग इसको ऊपर नीचे अगर एडजस्ट करते हैं, ये देखिए स्मूथली रन नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं, तो अभी यहाँ पे ये क्या होगा, ये फंसने लगा, ठीक है। अब हमें दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये देखिए अब ये स्मूथली रन होने लग गया है, ठीक। तो अब आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि जितना हम लोग गेट खोलेंगे उतने अच्छे से लाइट मिलेगी। यहाँ पर हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं और मैंने ये इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको भी कनेक्ट कर दिया है, ठीक है गैस। तो ये हमारा सर्किट एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है। जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा जा रहा है वहाँ पर, और नेगेटिव वाला हमारा जा रहा है पावर बैंक की USB नेगेटिव वाले पे, ठीक। अब मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं गेट ओपन है, ये कनेक्शन यहाँ पे टाइटली हेल्ड है इस समय, मतलब कनेक्शन पूरी तरीके से हो गया है। तो मैं इसको USB आपको लगा के दिखाता हूँ कि जल रही है कि नहीं जल रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारी लाइट्स ग्लो होने लग गई हैं, ठीक है। इसमें इट मीन्स कंप्लीट हो गया कनेक्शन हमारा। अब हमें बस क्या करना है, इसको फिनिशिंग देनी है लास्ट में, ठीक है। हाँ तो मैं आपको अंधेरे में दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा। तो मैंने सेकंड डोर जैसे ही ओपन किया, धीमे धीमे देखिए लाइट्स ग्लो होने लगी, ठीक है गाइस। तो लाइट्स ग्लो होने लगेंगी, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कनेक्शंस दिखाता हूँ कि कैसे कनेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, मैंने सारे कनेक्शंस को टाइटली हेल्ड कर दिया और इसको ब्लॉक भी कर दिया है, ठीक है। यानी कि टेप भी लगा दिया और इसलिए ये हो चुका है, ठीक है।